यासीन मलिक ने गुनाह कबूल किया है। उन तीन परिवारों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्की में रुकावट डाली, वहां के बेटे बेटे के झगड़ा कराया, वहां खून की होली खेली, वो अमन की वो स्वर्ग की जमीन को खून से लाल किया, उन तीन परिवारों के जघन्य अपराध से उनके लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए कि इन तीन परिवारों ने किस तरह लूटा। आज यासीन मलिक वही है जिसको ये तीन परिवार पालकर पोषित करकर जम्मू के आम नागरिकों की हत्या में जो शामिल था, वहां इतना बड़ा नरसंहार होता रहा और ये तीन परिवार उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। आज तीन परिवारों को उस जघन्य अपराध के लिए भी गुनाह मान लेना चाहिए और देश की जनता के सामने अपने इन जघन्य अपराधों के लिए खुलेआम गुनाह मानना चाहिए। भारत में लोकतंत्र है जहां कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का अधिकार दिया है। आपका ये बयान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने जैसा है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से चल रही है, चाहे हो कोविड और चाहे हो केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम। 2014 से लेकर आज तक चाहे 12 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचे हो या 11 करोड़ घरों में शौचालय बने हो या 40 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हो या 50 करोड़ गरीबों के मेडिकल इंश्योरेंस हुई हो, चाहे 35 करोड़ भारतीयों का ई श्रम हो, एक लंबी लिस्ट है। हर घर नल से जल पहुंचने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी भी स्कीम में किसी से जाति धर्म पंथ नहीं पूछा जाता। देश में लोकतंत्र मजबूत है, इंस्टीट्यूशन मजबूत है, पर पता नहीं महबूबा जी के सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, कभी श्रीलंका आता है। सपने देखना बंद करें, देश की तरक्की के साथ चलें। ये भयानक सपने देखकर विष घोलने का काम महबूबा जी बंद करें। अब ना तो जम्मू कश्मीर के नागरिक आपको सुनना चाहते, ना देश आपको सुनना चाहता है। केवल पब्लिसिटी लेने के लिए आप देश को बदनाम करने का कार्य करती आ रही हैं और अब भी कार्य कर रही हैं।